त्रैमासिक परीक्षा 2021 जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है, क्लास नाइन्थ गणित, क्लास नाइन्थ आपका गणित है, उसके जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने त्रैमासिक परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करवाने वाला हूँ, पूरा हल सहित पूरा सॉल्व क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए जो MP बोर्ड का त्रैमासिक हो रहा है तिमाही एग्जाम, उसके लिए। तो देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आइए इसका हल देखते हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि सभी सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये सभी जो भी सब्जेक्ट हैं, इन सभी की तैयारियां मैं इस चैनल पर करवा रहा हूं, तो वो सभी भी वीडियोस भी आपको इसी पर देखने को मिल जाएंगे ना। देखिए सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है कि क्या बिंदु 3, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनते हैं। अब देखिए ये सब त्रिभुज कब बनेंगे। सबसे पहले आपको मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनके इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वो होता है √x1 - x2 + x2² + y1 + y2² बस इतना आपको करना रहता है। देखिए दोस्तों इसका जो सूत्र है यहाँ पर माइनस रहेगा ये, अब देखिए यहाँ माइनस अब हो गया सही। x1 - x2² + y1 - y2² तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका निकालेंगे तो ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2² होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे। y1 क्या है, ये है 2, तो लिखेंगे 2। उसके बाद माइनस है यहाँ पर और y2 ये है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 3, तो इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 2 = 5 और 5 = 25 प्लस 3 × 2 = 5 = 25 तो कुल मिला के ये आ जाएगा √50, ये √50 आएगा। उसके बाद देखिए अब इसके और इसके बीच की दूरियां निकाल लेनी है, इसके बीच की दूरियां ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर है -2 तो कहेंगे -2, उसके बाद -2² प्लस ये -3 है तो लिखेंगे -3, फिर यहाँ पर 3 है तो -3 इसका भी होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस और 2 × 2 = 4, 4 × 16 तो 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 6 और 6 × 6 = 36। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों आपस में तो ये आएगा √52। अब उसके बाद देखते हैं इनका सी और ए का निकालते हैं। सी ए का अगर हम निकालेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तब क्या आएगा, तब आएगा देखिए इसका भी निकाल लेते हैं √2 − 3² + 3 − 2² तो ये आ जाएगा √3 − 1 और इसका आएगा 1 + 1 = 2। अब आप कैसे जानेंगे कि यह एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यही मेन पॉइंट है। तो देखिए आप कैसे जानेंगे, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के योग जैसे इसको जोड़ने पर इससे ज़्यादा आए तब आप समझ जाएंगे त्रिभुज है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे √2 से ज़्यादा रहेगा। अब √52 और √2 को जोड़ेंगे तो √50 से ज़्यादा रहेगा। √2 √50 को जोड़ेंगे तो देखिए इससे ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपका जो हो जाएगा जो त्रिभुज है ये है, ये जो बिंदुएं दी गई हैं यह एक त्रिभुज बन रही हैं, तो अतः लिख देंगे अतः ये एक त्रिभुज बनती है। तो देखिए दोस्तों आगे मैं आपको और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे हम आपको और किसी नेक्स्ट वीडियो में।